नमस्कार मित्रों, मैं एजाज धर्मेंद्र जी आप सभी का प्यार और ज्योतिषी में स्वागत करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा जिससे आप अपने आप को अभी तक समझ नहीं पाए थे कि आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका आपसे अलग क्यों हुआ, इसकी वजह क्या था, इसका कारण क्या था, क्या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया, क्या उसके परिवार ने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। अगर समस्या ऐसा है तो सिर्फ आज समझने के लिए मैंने आपको एक ऐसा समाधान बता रहे हैं। देखिए, प्रेमी प्रेमिका तभी अलग होता है जब राहु का दोष होता है। अगर राहु अष्टम घर में या सप्तमेश में बैठा हो या नाइन्थ फोर्थ में हो, नाइन घर में बैठा हो, तो समझ ली या शनि के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु है, तो अवश्य ही प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं या फिर पति पत्नी अलग होते हैं। चाहे रिश्ता जैसा भी हो, वो रिश्ता टूटता है। आज उसी रिश्ता को जोड़ने के लिए हम आपको कुछ ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसमें आपका सिर्फ समाधान होगा। करना क्या है, आप मद पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, ये दूसरों में क्या करें, दान करें, किसी व्यक्ति में दान करें, या एक माचिस की डब्बे को हर हमेशा अपने पॉकेट में रखें, इससे राहु का दशा ठीक होता है। दूसरा, अगर खिचड़ी का दान किसी मंदिर में जाकर कराते हैं तो भी आपका राहु का दशा ठीक होता है। अगर आप किसी को, अगर यदि भूत प्रेत का शिकायत होता है, किसी प्रेत आत्मा का शिकायत होता है, इसका वजह क्या है जानते हैं, इसका वजह होता है राहु। उस राहु को ठीक करने के लिए लोग क्या मांगते हैं, बीड़ी सिगरेट मांगते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो मांस मछली मदिरा और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, क्योंकि वो राक्षस ग्रह है। आज हम उससे बचने के लिए और उसका उपाय और समाधान मैंने दोनों बताया। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक आधा घंटा पर पानी पिए, एक एक घंटा पे मूंज उठा करें। और अगर यदि आप मेरे चैनल में नया है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि राहु से ग्रसित अगर और कोई भी व्यक्ति है तो सबों का कल्याण हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, कभी भी रिश्तों में पैसों का आदान प्रदान ना करें, क्योंकि पैसों का आदान प्रदान से आपकी रिश्तों में खटास आएगा। कभी भी रिश्तों में पैसों का आदान प्रदान ना करें। अगर रिश्तों में पैसों का आदान प्रदान करेंगे तो रिश्तों में क्या आएगा, खटास आएगा। और फिर आप कभी भी प्रीवियस लाइफ ना बताएं। अगर प्रीवियस लाइफ बताएंगे तो भी खटास आएगा, तो भी एक दूसरे को अलग रहना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, हम आपके साथ हैं। समस्या चाहे जैसा भी हो, सारी समस्या का समाधान हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं। आप हमारे चैनल में लगे रहिए, हम आपका सेवा करते रहेंगे।